एवरीवन, वेलकम टू माला की पाकशाला। आज माला की पाकशाला में बनने वाला है गर्मियों का स्पेशल रायता। हाँ जी, आज मैं जो रायता बनाने वाली हूँ वो मैं बनाने वाली हूँ खीरे से। बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में, तो चलिए इस टेस्टी रायते को बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए देखिए, यहाँ मैंने खीरा ले लिया है। खीरा आपको हाइब्रिड खीरा नहीं लेना है। उस खीरे में जो बीज हैं वो बहुत मोटे मोटे होते हैं, वो खाने में अच्छा नहीं लगेगा। सबसे पहले जो खीरा है उसको ये सबसे ऊपर पार्ट काटिए और इसको हम थोड़ी देर ऐसे ही घिसेंगे। देखिए, इसमें से काफ़ी सारा झाग निकला है। इसको अब हम ये इतना हिस्सा काट कर अलग कर देंगे। अब यहाँ से हम इसे चेक करेंगे जो खीरा है वो कहीं कड़वा तो नहीं है। इस तरह से आप पता कर सकते हैं कि खीरा कड़वा तो नहीं है। ये नीचे से ये हटा दीजिए। अब इस खीरे को हम ग्रेट कर लेंगे। ग्रेट करने के लिए जो खीरा है वो हमें छीला नहीं है, और सबसे जो मोटे वाला ग्रेटर का जो साइड होता है उससे हम इसे ग्रेट करेंगे। देखिए, यहाँ मैंने खीरे को ग्रेट कर लिया है। अब इसको रख देते हैं साइड, चलते हैं आगे की तरफ। लीजिए एक मिक्सिंग बाउल, इसमें डाल देंगे हम एक कटोरी दही। दही जो है वो खट्टा ना हो। अब लीजिए एक चम्मच और इसको हम अच्छे से फेटेंगे। हमें इसे तब तक फेटना है जो दही है वो एकदम क्रीमी ना हो जाए। ये देखिए, एकदम स्मूथ इसका क्रीमी टेक्सचर आ गया ना, बस इसी तरह का हमें दही चाहिए। अब डाल देंगे इसमें ग्रेट करा हुआ खीरा, डालेंगे आधा चम्मच भुने जीरे का पाउडर, एक चौथाई चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधा चम्मच डालेंगे धनिया पाउडर, एक चौथाई चम्मच गरम मसाला, एक चौथाई चम्मच काला नमक, आधा चम्मच नमक, एक चौथाई चम्मच लाल मिर्च पाउडर। बस अब इन सबको कर लेते हैं अच्छे से मिक्स। ये देखिए, सब कुछ अच्छे से मिक्स हो गया है। कितना अच्छा लग रहा है ना रायता। चलिए इसको कर लेते हैं बस गार्निश। ये लीजिए, मैंने गार्निश कर लिया है। कितना अच्छा लग रहा है ना, देखते ही खाने का मन कर रहा है ना। तो इसी तरह की टेस्टी और इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ के लिए मुझे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ जिससे मेरी बनाई हुई रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।